ताजर बरादरी के लिए अच्छी खबर, मुल्क में दरामदात पर आयद पाबंदियां खत्म। स्टेट बैंक ने ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को हिदायत जारी कर दी। बंदरगाहों पर फंसे हुए 6000 से ज़ायद कंटेनर्स रिलीज करने की बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त। ज़र मुबादला के मजाज डीलर्स को तमाम दरामदात के लिए ज़र मुबादला फराहम करने की हिदायत कर दी गई। अदालत उज़्मा जैसा इदारा फर्द वाहिद नहीं चला सकता। जस्टिस काजी फायज ईसा का सिविलियन का फौजी ट्रायल केस में नोट, लिखा आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। 8 दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौकिफ की तरदीद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मौतरी के बाद से अदालत में नहीं बैठा। चीफ जस्टिस ने तो जवाब देना भी गवारा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। खुद को मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से अलग नहीं कर रहा। जजेस का गुलदस्ता फिजा मुअत्तर रखेगा। जब किसी को शक ना हो, मखसूस फैसले के लिए खसूसी बेंच तश्कील दिया गया। उधर जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। जस्टिस के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स, कहा नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। क्या तरीकाकार होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट को भिजवाए जाएंगे? फौज कैसे फैसला करती है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुलजिम है? सुप्रीम कोर्ट के फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, फौज कैसे तय करती है फलां शख्स के खिलाफ फौजी ट्रायल करना है? क्या कभी ऐसा हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल सिर्फ मैजिस्ट्रेट ने किया हो? बताएं मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को मुलजिम ठहराने का क्या तरीका है? प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा? क्या दीगर ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फ्रांस में MGIMF से दोस्ताना माहौल में मुलाकात हुई। इनसे कहा IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। MGIMF ने कहा कुछ मसाइल हैं, इन पर बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज का आज सुबह लंदन रवानगी का इम्कान। मरियम नवाज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। मुलाकात में नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी, इलेक्शन और निगरान सेटअप से मुतालिक नामों पर गौर होगा। वज़ीर आज़म की पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर और जर्मन चांसलर से मुलाकातें। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ली क़िचियांग ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद है। यूरोपीय कमीशन के सदर से मुलाकात में दौरा पाकिस्तान की दावत दी। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासर इलाकों की तामीर नौ का आज़म किया गया। वज़ीर आज़म इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से मिले, जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने मेरा दिन खुशगवार बना दिया, मैं आपको बेहतरीन मीठे आम भिजवाऊंगा। डॉक्टर मोहम्मद जासिर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम सबसे ज्यादा वही खाते हैं, आप आम उगाते रहें और भिजवाते रहें। शहबाज शरीफ की ब्राज़ील के सदर से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान ताबुन को मजीद वसत और फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। फ्रांस का मौसमियाती तब्दीलियों पर 100 अरब डॉलर की इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग समिट के इख्तितामी सेशन में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, आलमी बरादरी किए गए वादे पूरे करे। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को सैलाब जैसी आफतों का सामना रहा, तरक्की पजीर ममालिक मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। वज़ीर आज़म समिट में शिरकत के लिए एलिज़े पैलेस पहुंचे तो सदर महकमा और खातून अव्वल ने पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए खैर सगाली कलमात और आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा। इलेक्शंस विल बी कमिंग टुमारो डे आफ्टर, यू साइन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद एवरी पार्टी, make us sit down with you, I am willing to sign, people's party is willing to sign, even with the cricketer, I told him to sign a charter of economy with us,
किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक मईशत पर बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में ताजरों से गुफ्तगू। कहा आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा, चार्टर ऑफ इकॉनमी कर ले। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में कहा था चार्टर ऑफ इकॉनमी करो, इस आदमी को कोई अंदाजा नहीं था। कोई इसने काम किया हो तो पता हो। अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान बैरूनी मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं, हमें इमदाद नहीं तिजारत के मौके देने होंगे। पाकिस्तान मुतासिर होगा तो हम सब मुतासिर होंगे। सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो गए, अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी जल्द शुरू होगी। जब आप सब अमीर होंगे तो पाकिस्तान अमीर होगा। जब मई 9 पे हमारा यादगारी शोदा को जलाएंगे, दुनिया में ऐसे मिसाल नहीं मिलता। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत पे नाम के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगारी शोदा पे हमला करने की इजाजत दे पे हो। वो लोग जो इस वाकये में शामिल थे, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी की वजह से हमारे दिल में उनके लिए कोई नरमी है, मैं फ्लोर पे वाजे करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है जनाब। इसमें जमहूरी निजाम को उस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें पीटीआई को धकेल दिया गया। पीटीआई को पहुंचने वाला नुकसान चेयरमैन पीटीआई खुद भुगते। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सियासी जमात को सियासी बनकर काम करना होगा, इसका नुकसान सिर्फ गैर जमहूरी सियासत करने वालों तक महदूद रहे। चेयरमैन पीटीआई ने मुल्क की सियासत को तबाह किया, मईशत को नुकसान पहुंचाया। 9 मई के शरपसंदों के लिए हमारे दिल में कोई नरमी नहीं। सियासत के नाम पर GHQ पर हमला किया गया। मिलिट्री कोर्स का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। हम दहशतगर्दी का खात्मा क्यों नहीं चाहेंगे? अमरीका भारत बढ़ते ताल्लुकात से पाकिस्तान गैर महफूज नहीं हो जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स केस का फैसला भी पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो। फैसले अगर इंसाफ पर होते नजर ना आ रहे हों तो इन फैसलों की कोई वक़्त नहीं। वजीर दाखिला राणा सनावला का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अगर एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हो सकता तो इसे कालदम करार दें। अदालत का ये इख्तियार नहीं कि वो कानून और आइन के खिलाफ फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने फौजी अदालत के सुनने वाले बेंच को अदालत मानने से इनकार किया। यूनान में डूबने वाली कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे, वजीर दाखिला राणा सनावला ने वाज़ेह कर दिया। कहा सिर्फ 12 ही बच सके। 82 लाशें मिल गईं जिनका फ्रांसिक किया गया। 281 खानदानों ने राब्ता किया। 193 GNA सैंपल हासिल किए जा चुके। मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उधर वफाकी हुकूमत का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग एक्ट में तरमीम का फैसला। तरमीम में इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले जमानत जुर्म होगी। सुहाने मुस्तकबिल के सपने आहें और सिसकियां छोड़ गए। यूनान कश्ती हादसे में वजीराबाद के 6 नौजवान जान से गए। गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 6 नौजवान आपस में गहरे दोस्त थे। एजेंट ने भाई को फोन करके तस्दीक की ये तमाम अफराद उसी कश्ती में सवार थे। घरों में सफ़े मातम, बूढ़े वालिदैन गम से निढाल, अपने बेटों की तस्वीर सीनों से लगा कर जारो कितार रोने लगे।